खबर बिहार से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को चैनपुर में 3 दिवसीय कबड्डी लीग मैच का शुभारंभ किया गया। आईपीएल की तर्ज पर चैनपुर कबड्डी लीग प्रतियोगिता में कुल 4 टीम अमेरिकन अंगद, जिसके मालिक निरंजन ठाकुर स्वयं हैं, वहीं टीम राहत के मालिक सेवन राइडर्स के मालिक नील आर्यन तथा बुल ट्रेडर्स के मालिक ज्योति नाथ हैं। चारों टीम के बीच 3 दिवसीय लीग प्रतियोगिता होनी है, जिसके प्रथम दिन शुक्रवार को पहला मैच अमेरिकन अंगद एवं टीम राहत के बीच खेला गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम आनंद शर्मा ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर चैनपुर कबड्डी लीग मैच के इस मौके पर लीग मैच के आयोजक निरंजन ठाकुर ने डीएम आनंद शर्मा सहित अन्य अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं डीएम श्री आनंद शर्मा ने कबड्डी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। इस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे और खिलाड़ियों को क्या संदेश? जी देखिए, ये बड़ी हर्ष की बात है कि सहरसा जिला में चैनपुर पंचायत में यहाँ के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने मेहनत करके एक इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं, और खासकर जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं उनको उनका हुनर दिखाने का मौका दिया जा रहा है इस लीग के माध्यम से। और ये हम किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में इन्हीं युवाओं में से कोई युवा हमारे देश का नाम रोशन करेगा पूरी दुनिया के लेवल पे। तो ऐसे हुनर को लगातार बढ़ावा दिया जाए, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरे जिला में आगे आएं और इस तरीके के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें, ताकि युवाओं को जो उनकी प्रतिभा है, वो जैसे ये कबड्डी है, इस तरह से अन्य भी किसी खेलों में या अन्य किसी भी चीज़ों में उनको सही मुकाम मिलने के लिए कार्य हो। और सरकार के स्तर से भी हम लोग लगातार ऐसी प्रोग्राम्स को अन्य प्रतिभाएं ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि युवाओं की जो प्रतिभा है उसको हम लोग और निखार सकें, और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।